नमस्कार, सिंस इंडिपेंडेंस के नए शो राजस्थान राजनीति में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रशंसा आपके साथ। हमारे इस शो में हम आपको राजस्थान की राजनीति से जुड़े खास खबरें दिखाएंगे जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में चल रही है। तो इसमें है पहली विश्वराज सिंह और भवानी सिंह कालवी द्वारा बीजेपी ज्वाइन करना। आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को कल्याण सिंह कालवी के पोते भवानी सिंह कालवी ने दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर भाजपा ज्वाइन कर ली। इसके साथ ही मेवाड़ राजघराने के महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ भी भाजपा में शामिल हो गए। इन दोनों को बीजेपी में शामिल करना कहीं ना कहीं मेवाड़ और मारवाड़ से राजपूत वोटों को अपनी ओर खींचना दिखाई देता है। दूसरा है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कल कोटा आना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार 18 अक्टूबर को कोटा आने वाले हैं। कोटा में वो कई पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संभाग की 17 विधानसभा सीटों को लेकर गहन करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार जेपी नड्डा सुबह 11 बजे कोटा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद यहां से वो सीधे डीसीएम रोड स्थित निजी होटल में जाएंगे, जहां पर झालावाड़, बारा, कोटा और बूंदी लोकसभा क्षेत्र के चुनिंदा पदाधिकारियों की अलग अलग बैठक लेंगे। इसके बाद आता है मुख्यमंत्री गहलोत का बयान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को चुनाव के बीच एक बार फिर सचिन पायलट की बगावत याद आ गई। उन्होंने सीधे सीधे पायलट कैंप के विधायकों को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि हमारे विधायक करप्ट नहीं थे, तभी हमारी सरकार बची। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे और 10 करोड़ रुपए कौन छोड़ना चाहता है। सीएम गहलोत ने आगे ये भी कहा कि जनता बीजेपी से बदला लेकर रहेगी जिन्होंने सरकार गिराने का प्रयास किया। अगला है कांग्रेस एमएलए द्वारा बुजुर्ग की पगड़ी को लात मारना। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। वीडियो कांग्रेस नेता और चित्तौड़गढ़ जिले की बेंगू विधानसभा सीट से विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी का है, जिसमें वो एक बुजुर्ग की पगड़ी को लात मारकर उछालते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो 2021 का बताया जा रहा है जो अब सामने आया है। इस वीडियो के जरिए भाजपा नेता कांग्रेस पर हमलावर हो गए। वहीं बिधूड़ी का इसे लेकर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। आज बस इतना ही, जल्द फिर आएंगे राजस्थान राजनीति से जुड़ी ताजा खबरें लेकर। देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। धन्यवाद।